हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फिजिक्स के डाउट सीरीज में अगेन आज जिस मिसकंसेप्शन को हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। स्टूडेंट इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कन्फ्यूजन को क्लियर किया था कि क्यों कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्जेज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और स्टूडेंट आज का जो मिसकंसेप्शन है कि कूलम्स लॉ के बारे में ये कहा जाता है कि कूलम्स लॉ आप तभी यूज कर सकते हैं, तभी वैलिड होता है जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10^-15 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर डिस्टेंस उससे कम है तो आप कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं, कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, जो कि गलत बात है। कूलम्स लॉ हर सिचुएशन में वैलिड होता है, तो इसे ही आज हम लोग क्लियर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि भाई ऐसा क्यों कहा जाता है कि डिस्टेंस 10^-15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, चूंकि डिस्टेंस 10^-15 मीटर जो कि बहुत बहुत कम होता है, इस रेंज में बात हो रही है, मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात करनी होगी। तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाते हैं, आप याद कीजिए क्लास 11th में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे या फिर क्लास 9th-10th में भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने पढ़कर आया होगा कि कोई भी जो एटम होता है वो हाइड्रोजन एटम हो सकता है, हाइड्रोजन का एटम, कॉपर का एटम, एल्यूमिनियम का एटम, ठीक है। कोई भी एटम जो होता है तो उसके एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ये एक न्यूक्लियस हम दिखाए हैं, आप देख रहे हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं और उस डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स पे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइक दिस होते हैं इस तरह से। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस होता है 10^-15 मीटर। रेडियस को अगर आर से लिख रहे हैं तो इसका रेडियस होता है 10^-15 मीटर, जिसको 1 फर्मी भी हम लोग कहते हैं। मतलब रेडियस की बात करें, मान लिया ये हम रेडियस आर दिखा रहे हैं तो इसका रेडियस का वैल्यू होता है 10^-15 मीटर। समझिएगा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऑब्वियस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तो कूलम्बिक फोर्स नहीं लग रहा होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलम्बिक फोर्स वो नहीं लग रहा होगा। रीजन बहुत ही क्लियर है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता है, जब चार्ज का वैल्यू जीरो है तो उस पर कोई कूलम्बिक फोर्स तो नहीं लगता है। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ये जो कहा जाता है कि भाई जब डिस्टेंस जो है 10^-15 मीटर से ये कम हो गया, ठीक है, तो कम हो गया तो ये जो कहा जाता है कि अब ये कूलम्बिक फोर्स नहीं लगेगा, ये कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है, ये गलत है। आपको ध्यान रखना चाहिए कूलम्स लॉ स्टिल लगता है, कूलम्स लॉ ऑलवेज लगता है। ये जैसे ये जो दो प्रोटोन आप देख रहे हैं जहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 10^-15 मीटर से कम है, क्लियर, यहां पे ये प्रोटोन हो सकता है या यहां देखिए ऐसे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तो यहां पर इस सिचुएशन में भी ये दोनों एक दूसरे पर कूलम्बिक फोर्स, जो कि ऑब्वियसली रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा क्योंकि दोनों प्रोटोन है, सेम नेचर का चार्ज है, ये कूलम्बिक फोर्स लगा रहा होगा। अगर इस कूलम्बिक फोर्स को हम एफ सी लिख देते हैं, एफ सी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं भाई के इंटू दो प्रोटोन का चार्ज, प्रोटोन का चार्ज आप समझ रहे हैं, क्यूपी लिख देते हैं जिसका वैल्यू आप समझ रहे हैं 1.6 × 10^-19 कूलम होता है, इंटू Q1 Q2 दोनों प्रोटोन ही है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस R1² जो कि R का वैल्यू यहाँ पे 10^-15 मीटर से कम होगा, इतना वैल्यू का कूलम्बिक फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगा रहा होगा, रिपल्सिव नेचर का, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कूलम्स लॉ इज वैलिड, क्लियर है। हाँ, इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पर उसके बावजूद ये दोनों जब रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगा रहा है तब यहाँ पर ये कैसे न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होते हैं, भाई तो इसका दूसरा रीजन है, यहाँ पर इस कूलम्बिक फोर्स के अलावा एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है दोनों प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जिसका वैल्यू जो होता है न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम एन से एफ एन से रिप्रेजेंट करें तो इस न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू जो होता है ये कूलम्बिक फोर्स एफ सी जो होता है उससे बहुत बहुत ज्यादा होता है। वन थिंग, एक तो बहुत ज्यादा होता है और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों प्रोटोन तो एक दूसरे पर ये कूलम्बिक वैल्यू का फोर्स, रिपल्सिव जो कूलम्बिक फोर्स है सर्टेन वैल्यू का ये तो लगा ही रहा है, लेकिन इस फोर्स के साथ साथ दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है एफ एन, जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और जिसके चलते अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट बाउंडेड रहते हैं एक बहुत से छोटे से।